हरियाणा वेयर हाउस के इंस्पेक्टर से आढ़ती उखड़े हुए नजर आ रहे हैं। आढ़तियों का कहना है कि हरियाणा वेयर हाउस की लापरवाही से उन्हें परेशानी हो रही है। स्टेट वेयर हाउस ने 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक के आई फॉर्मो को साइट पर अपलोड नहीं किया है। जब वह इंस्पेक्टर से बात करते हैं तो वह उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आपको यहां बता दें कि करनाल इंद्री अनाज मंडी एसोसिएशन ने हरियाणा वेयर हाउस के इंस्पेक्टर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। रोष स्वरूप एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इंद्री अनाज मंडी में जमकर नारेबाजी भी की है। साथ ही मंडी एसोसिएशन ने एसडीएम इंद्री को पत्र लिखकर इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने की मांग भी की है। इसकी शिकायत मंडी में आए करनाल के आयुक्त को भी की गई। आढ़ती एसोसिएशन का कहना है कि इंस्पेक्टर का व्यवहार ठीक नहीं है। जब भी उनसे किसी मुद्दे पर बात की जाती है तो उनका व्यवहार ठीक नहीं होता। मंडी एसोसिएशन प्रधान सतपाल बैरागी का कहना है कि स्टेट वेयर हाउस ने 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक के आई फॉर्मो को साइट पर अपलोड नहीं किया, जिस कारण आढ़तियों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं जब इस मामले में इंस्पेक्टर से बात करते हैं तो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। वेयर हाउस का जो लड़का एक सोनू है, आज एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, तो वो हम उनसे बात कर रहे थे तो इन्होंने क्या पोर्टल पे 29 तारीख से लेके और अब तक आई फार्म नहीं चढ़ाए। हमारी एसोसिएशन में डीएफएससी के आई फार्म, हम सब लगातार एसोसिएशन के सारी मंडी का काम कर रहे हैं चढ़ाने का आई फार्म, वो काम तो इन्हीं का ही है, पर हम इनका काम हल्का करने के लिए वो आई फार्म जे फार्म जनरेट कर रहे हैं। तो ये बंदा पुराने ही उस पर ये कह रहा था भाई आप एसोसिएशन नहीं वो करेंगे, हम अपने आप करेंगे जनरेट। तो वो 29 से लेके 6 तक आई फार्म हमारी यहाँ दुकान पे पड़े रहे लोगों के, और ये स्वीकार ही नहीं कर रहा था। उसको बोले हम अपने आप करेंगे, ठीक है अभी कर ले। हमने 7 तारीख को उसको लेटर लिखा भी ऐसे ऐसे करके उनका फलां दुकान पे बीसी पे दुकान पे दे के लाना, हम क्यों दे के जाएंगे। ये 8 तारीख को वहाँ से आई फार्म उठा के ले गया। तो उसके बाद क्या हुआ, 10 तारीख को आज हमें लेटर दे रहा है, ये हमें लेटर दे रहा है, ये आप देख लीजिए। हाँ ये हमें लेटर दे रहा है भाई, हम क्या अथॉरिटी हैं ये हमें लेटर दे रहा है, हम क्या कौन सी अथॉरिटी हैं, खुद इनका काम है, ये हमें लेटर दे रहा है भाई। बताओ हम गवर्नमेंट की कौन से एम्प्लॉइज़ हैं, हम बताओ कौन से अथॉरिटी हैं गवर्नमेंट की, हम क्यों, हम तनख्वाह थोड़ी लेते हैं, इनसे भी तनख्वाह लेते हैं, दे अथॉरिटी इसको एक दिन में वो कर देंगे हम। तो हम अब हमारी मांग है ये इसको लड़के को सस्पेंड, और मैनेजर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई, वो भी उल्टा बोलता है। जब हम मंडी मीडिया क्या कर लेगा, क्या कर लोगे आप लोग, मतलब इनको आदत पड़ी हुई है दूसरी तरफ, विवाद दोनों का ही ठीक नहीं है ना। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर 30 तारीख को मैंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को फ़ोन किया था, सर ये ऐसे ऐसे कर रहा है, उनका करने दो आप काम, जिस तो करेगा वो ऐसे ही करना है। पता नहीं एफर्ट थोड़ी सी वो होगी भाई, उसका राइस मिलत नहीं है, इस पर राइस मिलत ज़्यादा आ गई। सोनू लड़का है वेदा, उसको सस्पेंड होना चाहिए, और इसके खिलाफ भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गलत बोलता है सारी एसोसिएशन को, सारी मंडी के सामने गलत बोलता है। कभी इसका 2500-3000 का एक चाइनीज मॉक्सचर मीटर लेकर रखा था, जिसका मान ली 17 पॉइंट था, उसका 22 मॉक्सचर बता रहा था ये मीटर। हमने डिप्टी साहब को भी मीटिंग में बोला था, तो वो भी लाता है बार बार मंडी में तंग करता है, उसका 2500-3000 का, हमारे पास 25000 के मॉक्सचर मीटर है, हमारे वाला गलत बताता है, अपने वाला चाइनीज वो लेके मॉक्सचर मीटर उसको सही बताता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.